नमस्कार, सोनू शर्मा। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शायद आप में से कई सारे लोग सोनू शर्मा जी को जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानता उनको मैं बता दूं कि सोनू शर्मा जी भारत के सोशल मीडिया के टॉप स्टार्स में से एक हैं। काफी सारे लोग इनको, करोड़ों की संख्या में लोग इनको फॉलो करते हैं और ये के टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं भारत के। इनके जो फॉलोवर्स हैं, इनके जो फैंस हैं, वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत हैं, क्योंकि इनके जो स्पीचेस हैं, इनके जो लेक्चर्स हैं, इनके जो वीडियोस हैं, वो सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। कुल मिलाकर सोनू शर्मा एक बड़ी हस्ती है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं सोनू शर्मा जी के बारे में इस वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह चैनल तो धोलेरा का है। तो आपको बता दूँ कि भाई सोनू शर्मा जी ने रिसेंटली धोलेरा की विजिट की और जो उन्होंने धोलेरा में देखा वो सब कुछ एक वीडियो में उतार दिया और वह वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया। अब वह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब जब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है तो डेफिनेटली डिमांड भी तेजी से क्रिएट होगी, क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी चीज के बारे में बोलता है तो वह चीज तेजी से और तेजी से बिकती है, और यही सोनू शर्मा जी के वीडियो के बाद हो रहा है। देखिए, एक वो समय था जब विवेक बिंद्रा जी ने धोलेरा के बारे में वीडियो अपलोड किया था। आपको अगर याद हो तो जिस समय विवेक बिंद्रा जी ने वीडियो अपलोड किया था उस समय प्राइस कुछ और था, लेकिन डिमांड धीरे 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 आज इतनी बढ़ गई है कि आज प्राइस कुछ और है। जिस समय विवेक बिंद्रा जी ने वीडियो अपलोड किया उस समय लगभग आज के प्राइस का आधा था, लेकिन आज प्राइस लगभग डबल हो गया है, और यही चीज आगे भी होने वाली है। देखिए, अब कई सारे लोग यही भी सोचते हैं कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये पैसा लेके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक गलत चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने कोई गलत चीज के ऊपर वीडियो बना दिया जो चीज एक्चुअल में वैसी नहीं है और उन्होंने वीडियो में कुछ और बोल दिया तो इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो नेगेटिव हो जाएगी और लोग इनके वीडियोस देखना हो सकता है कि बंद कर दें, लोग इनको अनसब्सक्राइब कर दें। तो ये लोग जो हैं वो जांच परख के वीडियोस बनाते हैं, और यही चीज सोनू शर्मा जी ने भी अपने वीडियो में कहा कि मैं 3-4 साल से धोलेरा के बारे में सुन रहा था, लेकिन मैं सुनी सुनाई चीजों पर विश्वास नहीं करता। मेरे पास समय नहीं था, लेकिन समय निकाला, धोलेरा गया, धोलेरा को विजिट किया, एक एक चीज देखी और देखा कि यार वास्तव में जो धोलेरा है वो विदेशों के शहर जैसे कि शंघाई, आपका दुबई, आपका हांगकांग, इसके तर्ज पर बन रहा है, क्योंकि वो पर्सनली ऐसे बड़े 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 शहर दुनिया के देखकर आए हैं, तो उनको पता है कि ये कैसे हैं। और जब उन्होंने वो चीज़ एक्चुअल में दुबई धोलेरा में देखी तो उनको पता लगा कि यार वास्तव में हमारे भारत में भी यह शहर जो है वो रियल में बन रहा है। ये सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं यूट्यूब पर वो वास्तव में ग्राउंड पर उतारी भी जा रही हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का वर्णन अपने वीडियो में किया। कुल मिलाकर धोलेरा का एक और पॉजिटिव रीजन, धोलेरा को एक और बड़ा चेहरा मिल चुका है जो धोलेरा को अपनी रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है। तो देखिए, ये समय जो है धोलेरा का ये गोल्डन समय चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तेजी से आ रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग धोलेरा के बारे में बात कर रहे हैं, काफी सारे मिनिस्टर, देखिए बैकबर्ड में ऐसी बातें चल रही हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब देखिए, नेताओं की जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्क्लोज कभी होते नहीं है, मतलब इजिली नहीं होते, लेकिन बातें यहां वहां से होती हैं तो पता लग जाता है कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आने वाला समय जो वास्तव में धोलेरा का एक और बड़ा गोल्डन समय होने वाला है, तो यह अपॉर्चुनिटी आप लोग बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अभी जो प्राइस है, मैंने 2 साल पहले जो कहा था कि 2 साल पहले जो प्राइस होगा वो लगभग डबल हो जाएगा 2 साल बाद, और वही हुआ। लेकिन अभी जो प्राइस है वो ठीक 2 साल बाद हो सकता है कि डबल से ज्यादा हो जाए, क्योंकि भाई धोलेरा को दिन ब दिन एक ऐसी चीज मिल रही है जिससे धोलेरा का जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ रहा है, चाहे फिर वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे फिर वो किसी स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो हो, चाहे फिर किसी नेता का कमिटमेंट हो, चाहे फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो। बहुत सारी चीजें हैं जो धोलेरा को एक बड़ा ग्रोथ वाला एक एरिया बना रहे हैं, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों को बना रहे हैं। तो अगर आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि धोलेरा में हर एक वो चीज है जो आप लोगों को चाहिए, चाहे फिर वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे फिर वो बिजनेस के रूप में हो, चाहे फिर वो आपको रहने के लिए मकान के रूप में हो। धोलेरा एक पीसफुल और एक हाईटेक शहर बनने जा रहा है जिसकी हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी जो डिमांड है, यकीन मानिए कि अभी धोलेरा की ज्यादा डिमांड तो हो गई है, लेकिन अभी भी धोलेरा को बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है धोलेरा को जानने लगे हैं, और ये जो डिमांड है वो धीरे 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 और तेजी से आगे बढ़ रही है। और जैसे ही ये डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो है रेट जो है प्राइस का वो बढ़ता चला जाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि जब सोनू शर्मा जैसे लोग किसी चीज पर वीडियो बनाते हैं तो उसका एक अलग नजरिया होता है, उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, और यही हमें
आने वाले समय में देखने को मिलेगा। खैर, इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में मैं सोनू शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने धुलेरा के लिए इतना समय निकाला, धुलेरा के बारे में वीडियो बनाया और कहीं ना कहीं लोगों को एक और पॉजिटिव रीजन दे दिया कि धुलेरा को आप एक बार तो विजिट कीजिए, धुलेरा को एक बार तो देखिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वास्तव में धुलेरा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो स्क्रीन पर नीचे आ रहे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी ऑन द कॉल ऑन द व्हाट्सएप दे दूंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।